हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में जो कि पार्ट टू है फर्स्ट ब्लॉग का, जिसमें हमने दिखाया डाल्टन के रामनवमी पूजा के बारे में कि किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ठीक उसी को हम लोग रात के शिफ्ट में अब चीज़ों को दिखाने वाले हैं कि कैसा व्यू होता है, किस तरह का नज़ारा होता है, देखने में हमें क्या मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी रात के लगभग 9 बज चुके हैं। मैं नहा धोकर फ्रेश एकदम फिर से रेडी हूँ, फुल एनर्जेटिक, इंटरटेन हुए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो चलिए चलते हैं, बाइक रेडी है बाहर में, बाइक मेरा रेडी है, चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी बाइक रेडी है, अब वी आर रेडी टू गो, लेट्स प्रोसीड। देख सकते हैं हमारा रथ जो है हमारे घर के पास में ही है। ये मंदिर सजा हुआ है अच्छे खासे से, अभी ये यहीं पे है, साउंड बॉक्स भी इसका। तो पिछली बार भी ये यहीं पे मिला था। तो हम लोग आधा रास्ता तय कर चुके हैं और फिलहाल मैं बता दूं कि मैं बाइक से हूँ, क्योंकि सुबह के ब्लॉग करते करते मैं इतना चला गया, मतलब इतना चल गया दोस्तों के चक्कर में, उस वक्त तो पता नहीं चला। फिर घर जाकर पैर का बहुत बुरा हालत था, तो उसी मैं डिसाइड किया कि इस बार, हालांकि लोग देख सकते हैं अभी भी पैदल यहाँ जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, देखने और देख के भी आ रहे हैं, लेकिन क्या करोगे, थोड़ा सा दर्द हो गया, इसलिए मैं गाड़ी से ही जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं और बचे हुए रास्तों को भी तय करते हैं। ये देखिए गाइस, इसी को मैं दिन में नहीं दिखा सकता था। देखिए पूरे रास्ते को, पूरे रोड को किस तरह से चकाचौंध से भर दिया गया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए। और इसी तरह से आगे और भी चीज़ें हैं, तो साउंड का कुछ इशू आएगा क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में भी देखा, एडिटिंग में जितना शॉर्ट आउट होकर हो सका मैंने किया, लेकिन चलिए फिर भी साउंड के लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए और भी आगे दिखाते हैं। गाइस सबसे पहला आप देख सकते हैं, ये देखिए बॉक्स को पूरी तरह से सजाया गया है और पूरा फुल कंपटीशन भी होगा वहाँ पे, देखिए। तो अभी गाइस बाइक को यहाँ पे पार्क किए, हमारे आसपास में ही एक मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में कुछ होने वाला है, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कुछ स्टेज वगैरह भी सजा है। चलते हैं यहाँ से और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस मुझे पता है कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि रात को वही रथ वही चीज़ें दुगनी सुंदर लगती है, पर यह सच है। मैं आपको ये क्लियर करके आज के ब्लॉग में बताऊँगा, आपको भी ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे, मैं काफ़ी सालों से आते रहा हूँ, मैं जब छोटा था तब से मैं इन चीज़ों में सम्मिलित होता हूँ। आप देख सकते हैं क्या मस्त मस्त बोर्ड वगैरह लगाया हुआ है डेकोरेट करने के लिए। और चलिए और भी चीज़ों को दिखाते हैं। मैंने कहा था निगेटिव साइड भी होता है, आप देख सकते हैं कचड़ा को, कचड़ा देखिए खाली। हालांकि नगर निगम सुबह तक साफ़ कर देगा, पर आप भी जानते हैं और डिकम्पोज तो ये अच्छी हाल, मतलब अच्छे से नहीं हो पाते हैं नेचुरली अगर बात करें तो। माल का है, देखिए क्या मस्त लग रहा है, वाह। आप एक बार ब्यूटी को देखिए यहाँ से, मैं जूम करता हूँ, पूरे रोड को किस तरह से चकाचौंध कर दिया गया है, ये देखिए लवली। लोग खाना भी खा रहे हैं, कुछ है ही, चाउमीन, चाट, बर्गर। वो देखिए, हम कहे थे ना हरा कलर वाला दिखाए थे ना, अभी देखिए वो वही चीज़ रात को देखिए कितना भयानक लग रहा है, वही चीज़ देखिए कितना भयानक लग रहा है रात को। ये देखिए कितना खूबसूरत अभी रात में लग रहा है, और ये इनका डीजे बॉक्स, ये यहाँ का लोकल मंदिर है, काफ़ी पूरे शहर को डेकोरेट किया गया है, देख लीजिए आसपास के पूरे घरों को पूरी तरह से डेकोरेट किया गया है। बच्ची हनुमान जी के साथ फ़ोटो खिंचा रही है, पूरा लाइट बल्ब लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बच्ची खूब खुश है, पिता उसके फ़ोटो ले रहे हैं। रात में भी कुछ खाने पीने का प्रोग्राम, यही सारी चीज़ें थी जो बज रही थी।
विश्वास नहीं हो रहा था ना, अब और दिखाते हैं यार। देखिए तो एक से जितना भी आपको सुबह को दिखाया है सारे चीज़ों को मैं शाम को दिखाऊंगा, लाइटनिंग आने पे और अभी दुगनी बेहतरीन दिखती है। वही पंडाल, वही सारी रथ से, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दिन में और रात में। आसमान जमीन का फर्क है। हर वर्ष और इस बार ये इसका डीजे रात को कुछ अदर डेकोरेटिव आइटम्स। ये वाला ज्यादा बढ़िया लगा, आप ऊपर में देख सकते हैं एक फ्लेम का कलर, मतलब फ्लेम की तरह डिनोट करने की कोशिश की गई है, काफी बेहतरीन लग रहा है। मैं इसको पूरा दिखाता हूँ, ये इसका पूरा व्यू मस्त दिख रहा है। ये भी देखिए, ये वाला का फ्लेम थोड़ा थक गया है इसका बेचारा का। चलो कोई बात नहीं, रेस्ट करो भाई, रेस्ट करो। और इधर अच्छे खासे आई है डेकोरेटिव आइटम। बस चीज दिखा है, ये देखो अब बताओ ये कमाल का है कि नहीं। ये मैं कैमरा में दिखा रहा हूँ तो इस टाइप का दिख रहा है, सोचो ओरिजिनल कैसा दिख रहा होगा। खाना खाया है? ओ नहीं खाया, नहीं खाया। एक और डीजे, अभी लाइट ऑन नहीं किया है। मीटिंग कुछ मेंबर्स देख सकते हैं, एक चीज देखो, मैं जितना भी अभी तक दूर चला हूँ, पूरे रास्ते भर में मुझे कोई ना कोई जरूर लाइट मिली है, मतलब काफ़ी लाइट। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो यहाँ पे भी देखो अच्छी खासी लाइटनिंग है। ये देखो पूरी लगाई हुई है, ये देखो जहाँ पे रखा है वहाँ पे बेसिकली लाइटनिंग है, आप देख सकते हैं। और सामने में हमें आ रहा है एक और डीजे वाला, सॉलिड लग रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रा टाइप से है। इसके बाद कैशियो पैड, गिटार, बेस, सिंगर्स सब हैं। तो ये काफ़ी देख सकते हैं, इसका लाइटनिंग वगैरह को भी काफ़ी बेहतर ये किया हुआ है। म्यूजिशियंस को बैठे देख सकते हैं आप, ये ऊपर म्यूजिशियंस हैं। अब ये कुछ बजा के सुनाएंगे आपको। लाइट्स पता नहीं ऊपर क्या देख रहे हैं, अबे क्या देख रहे हो ऊपर लाइट ऊपर। ले लीजिए कितना मस्त लग रहा है ये लाइट में, बताइए। इसी को मैंने सुबह भी दिखाया था और अभी देखिए इसका लाइट में क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए कितना कमाल का लग रहा है, देखिए छमुहान कैसा लग रहा है, सुबह को कैसा था और शाम को अभी कैसा लग रहा है। ये हनुमान जी का मंदिर, जय भगवान जी। और यहाँ पे गैदरिंग फिर से चालू हो गया है और यहाँ पे भी कोई कोई गायक आए हुए हैं शायद। ये देखिए, ये देखिए अभी कोई गायिका भी आई हुई है, ये देखिए कोई गायिका आई हुई है चौमुहान में, और पूरा गाना दिखाने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ओके Yeah.
भूख सी लग रही थी, तो यहाँ पे नज़दीकी फालूदा में फ़िलहाल तो अभी ये ऑर्डर किया और बादाम शेक, और उसी को पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। गाइज यही था हमारा सेकंड व्लॉग आज का, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और बस यही था, यही दिखाना था कि रात को भी दो दुगना मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपको लगा है तो हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और इसी तरह से मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक पर नए वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर, अपने हेल्थ का सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ है तभी कुछ है, वरना जितना भी कमा लीजिए कोई कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।